जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को, मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बधाई देता हूं। अब बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दे की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो भीमटा यादव हैं उनकी रिलाई और पिलाई करने वाला हूँ। जब भी मैं भीमटा शब्द बोलता हूँ तो कमेंट में मुझे कुछ एससी एसटी समाज के लोग गालियां देने लगते हैं और मुझसे प्रश्न पूछने लगते हैं कि आप जो दलित समाज के लोग हैं, जो चमार समाज के लोग हैं, उनको भीमटा क्यों कहते हैं, उनको भीमटा बोलकर क्यों संबोधित करते हैं। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि मेरे भाई, मैं आप लोगों को भीमटा नहीं बोलता हूं। मैं साफ साफ आज के इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि भीमटे कौन होते हैं और भीमटे यादव कौन होते हैं। मैं भीमटा उन लोगों को बोलता हूँ जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं। मैं भीमटा उन लोगों को बोलता हूँ जो हमारे आराध्य भगवान कृष्ण को गालियाँ देते हैं। मैं भीमटा उन लोगों को बोलता हूँ जो यादवों को शूद्र बनाने का काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ है हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के नाम पर। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या स्वयं भगवान आए थे आप लोगों के साथ भेदभाव करने? नहीं, आप लोगों के साथ भगवान के नाम पर भेदभाव लोगों ने किया है। तो आप उन लोगों का विरोध कीजिए। आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी धर्म के देवी देवताओं को गाली देने का, किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। आप जिस भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, वो संविधान भी इजाज़त नहीं देता किसी भी धर्म के लोगों को गालियाँ देने का। दूसरे नंबर पर आते हैं भीमटे यादव। कौन होते हैं भीमटे यादव? तो मेरी नज़र में भीमटे यादव वो लोग होते हैं जिनके नाम के पीछे तो यादव लगा होता है लेकिन इनकी मानसिकता भीमटों की तरह होती है। ये वो लोग होते हैं जो नाम के पीछे यादव लगाते हैं और भीमटों की मानसिकता के ऊपर चलते हैं। जब ये भीमटे हमारे आराध्य भगवान कृष्ण को गालियाँ देते हैं तो ये भीमटे यादव उनका समर्थन करते हैं। जब ये भीमटे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं तो ये भीमटे यादव उनका समर्थन करते हैं। जब ये भीमटे हिंदू धर्म के यादवों को शूद्र बताते हैं तो ये भीमटे यादव उनका समर्थन करते हैं। तो ये होते हैं भीमटे और ये होते हैं भीमटे यादव। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में यादवों के लिए अगर कोई खतरा है तो वो भीमटे यादव हैं। इतिहास चोर जिनके ऊपर हमने हजारों वीडियो बना दी हैं, उन लोगों से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक आज की डेट में यादवों के लिए ये भीमटे यादव हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारा इतिहास चुरा रहे हैं और ये हमारे इतिहास को गंदा कर रहे हैं। इतिहास जो चुरा रहे हैं उसके लिए हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो हमारा इतिहास गंदा कर रहे हैं, एक बार अगर ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए तो हम लोग दोबारा अपने गौरवशाली इतिहास को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि वो लोग तो बाहरी हैं, दूसरे समाज से हैं, लेकिन ये लोग अपने नाम के पीछे यादव लगाकर यादवों के खिलाफ काम कर रहे हैं, यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और जब ये लोग सोशल मीडिया पर अपने नाम के पीछे यादव लगाकर यादव समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, यादव समाज को शूद्र बताने का काम करते हैं, तो हमारे कुछ भोले भाले सामान्य नागरिक, सामान्य यादव भी इनकी बातों में आ जाते हैं और विश्वास करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वो हमारे ही समाज का व्यक्ति है तो हमारे समाज की भलाई की ही बात करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी यादव हैं जो भीमटे बन चुके हैं, ये लोग एक षड्यंत्र के तहत यादवों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बामसेफ की तरफ से फंडिंग होती है, लाखों रुपए इनको मिलते हैं यादवों को शूद्र बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, सिर्फ इसलिए जिससे कि जो ये भीमटे लोग हैं ये सत्ता में आ सकें, ये यादवों के कंधे के ऊपर लात रख के सत्ता में आना चाहते हैं और यादवों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र पूर्वक यादवों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा उन यादवों को टारगेट किया जा रहा है जो यादव सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पूरे देश के यादवों में से अगर कोई पिछड़ा है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आने वाले यादव काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। इसके बाद बिहार के, झारखंड के और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में यादव निवास करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
इनका एक सरगना है जिसका नाम है चंद्रभूषण यादव। यह यादव शक्ति पत्रिका नाम की एक किताब लोगों को बांटता है और इन लोगों ने अपना सेंटर पूर्वांचल बना रखा है, जौनपुर बना रखा है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा शूद्र लाल प्रताप यादव, एक और स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा शूद्र अचल सिद्धार्थ यादव। ये लोग चंद्रभूषण यादव के साथ मिलकर इस यादव शक्ति पत्रिका को यादवों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, यादवों को शूद्र बनाने का काम कर रहे हैं। और अब इन लोगों के साथ एक और शूद्र मानसिकता का यादव जुड़ गया है जिसका नाम है शूद्र रमाकांत यादव। ये तीनों लोग मिलकर पूर्वांचल के यादवों को शूद्र बनाने का काम कर रहे हैं। यादव शक्ति पत्रिका, इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये यादवों की हितैषी है, यादवों के हितैष के लिए काम करती है, यादवों की भलाई के लिए काम करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये यादवों की भलाई के लिए काम नहीं करती है, आज की डेट में यादवों की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि इस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो यादव समाज सुन नहीं सकता है, और दूसरे समाज के लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो यादवों से घृणा करने लगेंगे। अरे जो समझदार यादव होगा वो खुद अपने यादव होने पर ही घृणा करने लगेगा, ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं। इस पत्रिका में क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। इस पत्रिका में कृष्ण को एक राक्षस बताया गया है, और इस पत्रिका में महिषासुर को यादवों का पूर्वज बताया गया है। इस किताब के अंदर दुर्गा माता को रंडी कहा गया है। यह शब्द कहने में मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है हमारी दुर्गा माता के लिए, और हमारे भगवान कृष्ण के लिए राक्षस का इस्तेमाल किया गया है, और महिषासुर को यादवों का पूर्वज बनाया गया है। क्यों? लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी यादव संगठन, कोई भी यादव नेता इस पत्रिका के ऊपर रोक नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चंद वोट उनके हाथ से फिसल जाएंगे। उनको लगता है कि अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो कुछ भीमटे किस्म के लोग उनको वोट नहीं करेंगे। मैं इस किताब का संपूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, और आप लोगों से भी कहता हूँ कि इन भीमटे यादवों का आप लोग कड़ी से कड़ी निंदा कीजिए, और इसका ज़्यादा अधिक से अधिक विरोध कीजिए। मुझे दुख तो सबसे ज़्यादा तब होता है जब ये शूद्र लाल प्रताप यादव और ये शूद्र अचल सिद्धार्थ यादव और ये शूद्र रमाकांत यादव, ये तीनों लोग मिलकर जब यादव समाज को शूद्र बनाने का काम करते हैं तो इनके कमेंट में हज़ारों यादवों के कमेंट होते हैं जो इनको समर्थन करने का काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके नाम के पीछे यादव लगा है। लेकिन इन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये यादव यादव समाज के हितैषी नहीं हैं, ये लोग यादव समाज के आज की डेट में सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं। आप लोग खुद सोचिए कि अगर दूसरे समाज के लोग इस पत्रिका को पढ़ेंगे और उनको मालूम चलेगा इस किताब के अंदर श्री कृष्ण को राक्षस बताया गया है, माँ दुर्गा के लिए गाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और तो और एक राक्षस को यादवों का पूर्वज बताया गया है, तो क्या सोचेंगे दूसरे समाज के लोग यादवों के बारे में? क्योंकि उनकी नज़र में ये यादव शक्ति पत्रिका है, यानी यादवों द्वारा जारी की गई एक पत्रिका है। क्या सोचेंगे वो लोग यादव जाति के बारे में? उन लोगों को क्या घृणा नहीं हो जाएगी यादव जाति के बारे में? इसीलिए मैं इस किताब का संपूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, और आप लोगों से भी कहता हूँ कि इस किताब का विरोध कीजिए, और ये शूद्र रमाकांत यादव, शूद्र अचल सिद्धार्थ यादव, शूद्र लाल प्रताप यादव, इन लोगों का विरोध कीजिए। इनकी प्रोफाइल पर जाइए, इनको सामाजिक बहिष्कार कीजिए, और कोई भी शूद्र यादव आपको नज़र आए तो पूरी तरह से उसका बहिष्कार करने का काम कीजिए। सबसे ज़्यादा मैं पूर्वांचल के यादव भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस तरीके का काम हो रहा है तो आप लोग सबसे ज़्यादा इसका विरोध कीजिए। आपके आसपास कोई भी यादव हो उसको यादव इतिहास बताने का कार्य कीजिए, उसको अपना गौरवशाली इतिहास बताने का काम कीजिए, और हो सकता है 20 या 15-20 दिनों के अंदर मैं पूर्वांचल के अंदर जाने वाला हूँ। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन क्षेत्रों में जाने का मेरा प्लान है। वहाँ जाकर मैं ज़मीन पर लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए होगा। तो आप में से जितने भी लोग पूर्वांचल से हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग ज़मीन पर मेरे साथ मिलकर अपने समाज के लोगों को जागरूक करने में मेरा सहयोग करेंगे,
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी लोग जितने भी देख रहे हैं कि इस वीडियो को, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करने का काम कीजिए, जिससे कि हमारे जो भटके हुए यादव हैं उन लोगों को इन भीमटे यादवों के बारे में मालूम चल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और इन भीमटे यादवों के बारे में आपको क्या कहना है ये ज़रूर बताइए। चलिए आपसे मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।